हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 41। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 40 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, अब वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, बात करें अगर इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सीरीज़ की, तो यहाँ पर हम HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें यह सीरीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की कृषि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी। तो देखिए, ऑप्शन देखकर आपको बताना है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूँ तथा संबंधित शीतकालीन फसलों पर। तो देखिए, हड़प्पा की कृषि अर्थव्यवस्था जो थी वो मुख्य रूप से आधारित थी गेहूँ तथा संबंधित शीतकालीन फसलों पर। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता या जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में प्रमुख चीज़ क्या थी, और ये वाला क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए, सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में प्रमुख चीज़ जो थी वो थी जौ। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, और ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्माशोक नाम पाया गया था। तो धर्माशोक नाम जो था किस अभिलेख में पाया गया था, तो ये पाया गया था सारनाथ अभिलेख में। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसकी बात करें अगर मास्की अभिलेख की, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो हैं यहाँ पर अशोक का नाम जो है अशोक पाया गया है। और जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम बात करें तो रुद्रदामन ने जो था सुदर्शन झील की चर्चा जो है जूनागढ़ अभिलेख में की है। और सुदर्शन झील जो थी किसने बनवाई थी, तो ये बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य जो था, उसने गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन प्राचीनतम राजवंश है। तो देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश जो है ये है प्राचीनतम राजवंश। देखिए, मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश की अगर हम बात करें कि गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वो था राजगुप्त। और चोल वंश की अगर हम बात करें कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था विजयालय। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था सिंह विष्णु। तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्यकालीन शासक जो कृषि मंत्रालय स्थापित करने वाला पहला था, तो ये कौन था, ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने कृषि मंत्रालय स्थापित किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने अमीरे कोही विभाग की स्थापना भी की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक को ही स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसने ये मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला को जाना जाता है उसकी, तो मुगल वास्तुकला को जाना जाता है उसकी सजावट और नज़ाकत के लिए। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अधीन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पहला छीना गया था, या पहले छीना गया था, तो ये कौन था, ये था सतारा। सो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1921 में मोपला विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारक नहीं था। तो देखिए, मोपला विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारक कौन नहीं था, तो ये था सामाजिक अक्षमता। ये वाला जो कारण है, ये सामाजिक अक्षमता, ये मोपला विद्रोह के लिए जिम्मेदार नहीं था। बाकी असहयोग प्रचार, पुलिस ज्यादती, ये जो थे ये मोपला विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारक थे। तो इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मोपला विद्रोह जो था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1921 में। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह अवलोकन किया कि कांग्रेस वास्तविक में एक बिना सशस्त्र सिविल युद्ध में है। तो ये किसने बोला था, तो ये बोला था सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है। तो देखिए, जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वास्तविकता में एक बिना सशस्त्र सिविल युद्ध में है, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
पृथ्वी ग्रह पर किस जगह पर कोई अपकेंद्री बल नहीं है? तो देखिए पृथ्वी की किस जगह पर जो है कोई अपकेंद्री बल नहीं है, तो ये कहाँ पर है? ये है ध्रुवों पर। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है, ध्रुवों पर जो है वहाँ पर किसी तरह का कोई अपकेंद्री बल नहीं है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पनामा की सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो देखिए पनामा की सीमा से कौन सा देश नहीं लगा हुआ है, तो वो है वेनेजुएला। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ठंडी समुद्री धारा है? तो देखिए किनारे की धारा ये जो है ठंडी समुद्री धारा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरलीज क्या है? तो देखिए वेस्टरलीज क्या है, तो ये हैं परमानेंट वाइंड्स, स्थाई पवन। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश है? तो देखिए यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश जो है वो है कनाडा। ऑप्शन यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वन संसाधन प्राणी उत्पाद हैं? तो देखिए जो ये जो लाख है, लाख ये है वन संसाधन प्राणी उत्पाद। सो ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनूर का हिल स्टेशन निम्न में से किस राज्य में है? तो देखिए कुनूर का हिल स्टेशन ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक भारतीय झील में उच्चतम जल लवणता है? तो देखिए सांभर झील जो है इसमें उच्चतम जल लवणता है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और सांभर झील कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार प्रदेश में विस्थापित बालू टीवाओं को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो थार प्रदेश में विस्थापनीय बालू टीवाओं को जो है स्थानीय तौर पर थ्रियोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है, थ्रियोन। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी की अभिलाक्षणिक विशेषता है? तो नर्मदा घाटी की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? ज्वालामुखीय उत्पत्ति। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है, संरचनात्मक उत्पत्ति। ऑप्शन बी, सॉरी ए नहीं, बी इसका राइट आंसर होगा। नर्मदा घाटी की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? संरचनात्मक उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार वहन करने में कौन अधिकृत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार जो है कौन वहन करेगा? ये करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक रूप से विशिष्ट बहुमत के आधार पर पारित किया जाना आवश्यक है? तो ये कौन सा विधेयक है? ये है संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक जो होता है इसे भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक यानी कि अलग अलग रूप से विशिष्ट बहुमत के आधार पर पारित किया जाना आवश्यक होता है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन है? तो देखिए राज्य सरकार का विधिक सलाहकार जो होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में जो है शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का सार माना गया है? तो देखिए किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा, तो ये है 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का सार माना गया। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंपनियाँ कॉरपोरेशन कर का भुगतान करती हैं उनके, तो देखिए कंपनियाँ कॉरपोरेशन कर का भुगतान करती हैं उनके आय पर। ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, आय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निवेश प्रतिवेदन निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है?
तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये किया जाता है UNCTAD, ऑप्शन सी राइट आंसर। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पर इसका ये सी राइट आंसर है। और इसकी अगर हम बात करें कि UNCTAD जो है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1964 में जो था एस्टेब्लिश हुआ था। फुल फॉर्म क्या हुई इसकी, ये हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयुक्त किया जाता है, तो सोनार जो है अधिकांशतः प्रयुक्त किया जाता है नेविगेटर द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन किरणों की अल्पतम तरंग दैर्ध्य होती है, तो किन किरणों की अल्पतम तरंग दैर्ध्य होती है, तो ये होती हैं कॉस्मिक किरणें। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़िम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन कार्बाइड जाना जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये कोरंडम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो देखिए, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।